इंसान और जानवरों के बीच की जो दोस्ती होती है ना, वो एक बेमिसाल होती है। उसी तरह ये कहानी है। यह वीडियो आपको दिखाएगा कि जानवर इंसान से कैसे प्यार करते हैं, अगर इंसान उससे प्यार करे तो, उसके भरोसों को कायम रखे तो। यह घटना रात 12 बजे मनकापुर जंक्शन, जो कि यूपी में पड़ता है, वहाँ का है। मैं बीती रात 12 बजे बैठा हुआ था जंक्शन पे, ट्रेन पकड़ने के लिए अपने गांव आने के लिए। वहाँ पे एक अनजान डॉग मेरे को देखता है बिस्कुट खाते और हुए। मैं उसके भरोसा को न तोड़ते हुए उसके भरोसा को आगे बढ़ाने का मौका दिया, यानी कि दो चार बिस्किट खिलाने लगा और वो खाने भी लगा। बिस्किट खाते खाते वह अपने दोस्त को भी मेरे पास बुला लाया। जैसे कि जैसे ही मैंने बिस्किट खिलाया, वो है अपने साथ एक और दोस्त को बुला लाया। तो देखिए भाई, यहाँ पे जानवर बेजुबान है, लेकिन हम लोगों से सोच से बहुत आगे है। ये शायद कोई इंसान नहीं कर सकता है कि अगर हम किसी इंसान का पेट भर दें तो वो अपने दोस्त को बुला कर लाए, ऐसा कभी नहीं कर सकता है। वो सिर्फ अपने ही फेर में रहेगा। यहाँ पे मैंने उसको दोस्त के लिए भी उसी रात को मैंने एक बिस्किट उसे भी खिलाने का निर्णय लिया, और यहाँ पे मैंने उसे दुकान से बिस्किट खरीद कर उसे भी खिलाने लगा। उससे पहले ये डॉग देख सकते हैं जो कि मेरे शरीर से चढ़ता जा रहा है, शरीर के ऊपर, जो मैं उसको चुप होने का बोल रहा हूँ, शांत होने के लिए बोल रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिए, जो पहले डॉग खा चुका था वो यहाँ पे आके दूर पे बैठा हुआ था और अपने साथी को छोड़ दिया कि अब तुम खा लो। तो आप सोच सकते हैं, एक डॉग की कहानी और मेरी। यह वीडियो आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप भी ऐसा करते हैं कि नहीं। अगर नहीं करते हैं तो एक बार जरूर कीजिएगा। किसी का भरोसे को मत तोड़िएगा। हो सकता है उस भरोसे से आप भी खुश हो जाए और अगला जो आप पे ट्रस्ट कर रहा है वो भी खुश हो जाए। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कैसे वो बिस्किट खा रहा है और मैं खिलाते जा रहा हूँ। और अभी तो बहुत चीज़ें बाकी है जो आपको ये वीडियो सिखाएगी। अगर वीडियो में अभी तक बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे पेट लवर के लिए और हमारी ब्लॉग देखने के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अच्छे अच्छे लोगों अपने इस वीडियो के माध्यम से सोच को बदलें। और चलिए अब आगे कहानी को लेकर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैं वीडियो में लगातार बिस्किट खिलाते गया, यहाँ तक कि आसपास कुछ लोग मुझे देख भी रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों को परवाह ना करते हुए भी चुपचाप सीधा अपने सोच के कायम पे एकदम डॉग को बिस्कुट खिलाते गया। यहाँ तक कि मेरे जो साथ थे वो भी बोल रहे थे, क्या ये पागलपन करता है, देखिए कैसे लोग मेरे को देख रहे हैं, खुद खा रहे हैं और मैं यहाँ दूसरे को खिला रहा हूँ, एक बेजुबान को खिला रहा हूँ, और जो कि मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अभी मैं उसको बिस्किट जंपिंग के माध्यम से, जैसे कि मैं उसको बोल रहा हूँ जंप करने के लिए। ये दोनों अनजान हैं, इनसे मैं ना कभी मिला हूँ और ना ये मुझसे कभी मिले हैं, बट यहाँ पे हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई है, शायद लग रहा है कि हम लोग वर्षों से मिले हुए हैं और एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अभी दोनों डॉग आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए कैसे ये उठ रहा है बिस्किट पकड़ने के लिए। ये हो सकता है आप अपने घर पे पालतू भी रखे होंगे ना, जो कि डेली उसको खिलाते होंगे, तो शायद वो जंप करके बिस्किट नहीं पकड़ सकता है। तो चलिए, इस वीडियो से आपको क्या संदेश मिल रहा है, आप लोग ऐसा कभी किए हैं कि नहीं, और आप लोग कभी भी कहीं भी ऐसे रहें तो एक बार ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है आपका दिल खुश हो जाए, आपके अंदर दुखी चीज़ें मर जाए और खुशियाँ ही खुशियाँ आए। बेजुबानों का हेल्प हमेशा करना चाहिए। हमारी और इनकी दोस्ती इतनी गहरी यहाँ हो गई है कि अगर मैं चाहूँ तो इन लोगों को घर पे भी ला सकता हूँ, बट ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मैं अपने घर से लगभग 300 किलोमीटर दूर हूँ। और यहाँ पे अभी जस्ट थोड़ी देर में हमारी ट्रेन आने वाली थी, तो उससे पहले मैं इन लोगों को बाय बोला, बट ये लोग मेरे पास से जा नहीं रहे थे। यहाँ तक देखिए कि जब हम लोग ट्रेन पे चढ़ गए हैं तो ये डॉग में हम लोग का इंतज़ार कर रहा है, यानी कि जैसे हम एक दूसरे को किसी स्टेशन पर जाकर छोड़ने जाते हैं ना,
वैसे हम लोग को ये छू। तो हमारी और इस डॉग की प्रेम कहानी से आपको क्या सीखने को मिले जरूर बताइएगा। और ये मेरे जीवन का बहुत अनमोल समय रहेगा, मैं हमेशा मिस करूंगा। किसी भी बेजुबान का मदद जरूर करें।